नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कि आज का महामंत्र क्या है और इस महामंत्र का जप कैसे करेंगे और जप करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। आज का पंचांग क्या कहता है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, राहु काल कब है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, दिशाशूल कब है, ऐसी सारी बातें बताएंगे। इसके साथ ही साथ बताएंगे 12 राशियों के बारे में कि 12 राशियों की क्या स्थिति है और गुरु के नुस्खे भी बताऊंगा, दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा और आज जिनका जन्मदिन है उनके बारे में भी बताऊंगा। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। आज का महामंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमल वासिन्यै स्वाहा। यह जो महामंत्र है वह जगत की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी जी का मंत्र। अगर इस मंत्र का आप जप करते हैं तो आपको इच्छित धन लाभ होगा। अगर आपकी धन की स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक रूप से आप परेशान है, तो इस अगर मंत्र का नियमित जप करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। इस मंत्र का जप कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे कि श्वेत रंग का वस्त्र धारण करें और कमलगट्टा का माला ले लीजिए और कमलगट्टा के माला से इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कम से कम एक माला, तीन माला अगर आप रोज जप करते हैं इस मंत्र का तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 21 अप्रैल 2023 दिन है शुक्रवार, तिथि है प्रतिपदा जो सुबह 8:30 तक रहेगा। भरणी नक्षत्र है जो रात्रि 10:59 तक रहेगा। शुक्ल पक्ष है, प्रीति योग है, सूर्योदय हो चुका है सवेरे 5:50 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:50 पर। आज चंद्रमा रहेगा मेष राशि में। शुभ समय है 11:54 से लेकर के 12:46 तक रहेगा। राहु काल है सुबह 10:42 से लेकर के 12:20 तक रहेगा। पश्चिम दिशा का दिशाशूल है। आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमा मेष राशि में, तो जब चंद्रमा मेष राशि में रहता है तो व्यक्ति को आज अपने को चैनलाइज होके कार्य करिए, पूरी फोकस हो जाइए, जो कार्य करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राहु काल में किसी भी कार्य की शुरुआत न करें, नहीं तो कार्य होते होते रुक जाता है, दिक्कतें आती है। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य लाभप्रद रहता है और दिशाशूल में यात्रा न करें। लगता है यात्रा पूरी नियोजित है तो आप एक दिन पूर्व प्रस्थान निकाल करके यात्रा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, किसको राजनीतिक लाभ मिलेगा, कौन विदेश जाएगा, किसको आयात निर्यात से धन लाभ मिलेगा, कौन भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएगा, कौन पुलिस सेवा में जाएगा, कौन सेना में जाएगा, किसको राजनीतिक लाभ मिलेगा, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी, कौन उच्च पद प्राप्त करेगा, ये सारी बातें बताएंगे। किस अंक के प्रयोग करने से भाग्योदय होगा, किस रंग के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी, ये भी बताऊंगा और सावधानी क्या बरतने, उपाय क्या करना है। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज आपको वाहन सुख प्राप्त होगा, घर बनाने का योग बन रहा है, माली हालत अच्छी होगी, सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी, चारों तरफ से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपके यश और पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होते हुए दिख रहा है। माता पिता का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर की चिंता समाप्त होगी, संततियों से मन प्रसन्न रहेगा, सरकारी नौकरी उच्च पद प्राप्त होने की संभावना बन रही है। बहुत सारे कार्य जो पाइपलाइन में वो संपन्न होते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। उपाय क्या करना है, माता लक्ष्मी जी की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आय से ज्यादा व्यय हो सकता है, तो इनकम बढ़ाने की जरूरत है। खर्च मत कंट्रोल करें लेकिन कम से कम इनकम का जरिया बढ़ावें। अगर खर्च करना है तो आय बढ़ाइए, नहीं तो आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित करिए, नहीं तो मन चिंतित रहेगा, अकारण चिंता हो सकती है, मानसिक उद्विग्नता बनी रहेगी, पराक्रम से धन लाभ मिलेगा। माली हालत को देखते हुए कई बार आपके मन में अकारण चिंता हो सकती है, थोड़ा सा मन चिंतित हो सकता है, पिता से वाद विवाद हो सकता है, शांति में समय व्यतीत होगा।
परिस्थिति आपके अनुकूल है, देश विदेश की यात्रा हो सकती है, आयात निर्यात से धन मिलेगा, यदि आप सरकारी सेवा में ताज आपकी पदोन्नत हो सकती है और स्थानांतरण हो सकता है, इसका प्रबल योग बन रहा है। सावधानी की आवृत्त नहीं है, लक्ष्य के प्रति केंद्रित होकर के कार्य करें। उपाय क्या करना है, काले कुत्ते को रोटी और गुड़ खिलावे, अच्छा रहेगा। शुभ अंक के साथ शुभ रंग है डार्क नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपकी परेशानियां दूर होंगी, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा और जो धन पाइपलाइन में है, जो नहीं मिल रहा है, वो धन मिलने की संभावना बन रही है। प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, बड़ी सफलता का योग बन रहा है। नए मेहमान के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा, पत्नी का सुख प्राप्त होगा, देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। चतुर्दिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा, कीमती सलाह से धन अर्जित करेंगे और रोग और शत्रु परास्त होंगे। सावधानी क्या बरतें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। उपाय क्या करना है, गाय को गुड़ और रोटी खिलावें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि की जातक हैं, आज आपको मन पर नियंत्रण रखें। मन आपका चिंतित हो सकता है, मन को लेकर के तनाव में न रहें, मन पर नियंत्रण रखें। नौकरी मिलने का प्रबल योग बन रहा है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें, आज आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, करियर में अच्छा उछाल आएगा, खड्यंत्रकारी विफल रहेंगे, नए तरह के कार्य हो सकते हैं, दांपत्य जीवन अच्छा होगा, पत्नी को नौकरी मिल सकती है, संततियों के प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, देश विदेश की यात्रा हो सकती है, विदेश में होटल इत्यादि खोल सकते हैं, उसका प्रबल योग बन रहा है। मन को थोड़ा सा तनाव में होने से बचावें। सावधानी क्या बरतनी है, न तनाव लें न तनाव दें। उपाय क्या करना, शनिदेव के सामने दीपक जलावें और शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपको व्यापार से लाभ मिलेगा, व्यवसाय खोलने के अवसर मिलेंगे, आय के नए संसाधन मिलेंगे, न्यायालय से धन लाभ मिलेगा, परिस्थिति अनुकूल है, प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी, नौकरी मिलने का प्रबल योग बन रहा है, माली हालत सशक्त होगी, आज आपको अपनी मानसिक संतुष्टि मिलेगी अपने कार्यों से। आज अपने कार्यों का अगर मूल्यांकन करेंगे तो आपको काफी आंतरिक संतुष्टि मिलेगी, विदेश यात्रा हो सकता है, पत्नी का सुख मिलेगा, बच्चों के प्रगति से मन प्रफुल्लित रहेगा, सरकार से धन लाभ मिलते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, मध्यम मार्ग अपनावे, अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना, गरीबों को वस्त्र दान करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग लाल, लक मीटर 6। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपके आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, विद्या बुद्धि से धन लाभ होगा, लेखन कार्य से धन लाभ मिलते हुए दिख रहा है, मान सम्मान प्राप्त होगा, भूमि भवन खरीद सकते हैं, संतान सुख मिलते हुए दिख रहा है, विद्यार्थियों के लिए कालखंड बहुत अच्छा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, विदेश यात्रा का योग बन रहा है, आपके मित्र सहयोग करेंगे, पुराने संबंधों में सुधार आएगा और रुका हुआ धन प्राप्त होते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, अपनी योजनाएं गुप्त रखें। उपाय क्या करना है, दुर्गा जी के 32 नाम का जप करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग आसमानी, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपको चारों तरफ से लाभ के अवसर मिलेंगे, सुख के संसाधनों में वृद्धि का योग बन रहा है, घर बनवा सकते, उसका प्रबल योग बन रहा है, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, न्यायालय से धन लाभ होगा, माली हालत में सुधार होगा, तनाव समाप्त होंगे, रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, इनकम का जरिया बढ़ेगा, आयात निर्यात कर सकते हैं, कई प्रकार की परेशानियों को जूझते हुए आप आगे बढ़ेंगे, मन को नियंत्रण में रखने की जरूरत है, परेशानियां दूर होंगी, माता पिता का सुख मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन रही है, यदि आपके पुराने संबंधों में कटुता है उसमें सुधार हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, दूसरों की बातों में ना आवे। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, लक मीटर 6। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको आय से अधिक व्यय हो सकता है, तो अपने व्यय पर थोड़ा नियंत्रण करें, अचानक दूर देश की यात्रा हो सकती है, विदेश जा सकते हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखें, दिल के बजाय दिमाग के सुने, घर बनाने का योग बन रहा है, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संतान से मन प्रसन्न रहेगा और कई अनेक प्रकार के कार्य संपन्न होंगे, परिस्थिति अनुकूल है, परिस्थितियों का कैसे लाभ उठावे इस पर ध्यान रखना है, सावधानी क्या बरतनी है, लेन देन करने से बचें। उपाय क्या करना है, गरीबों को रोटी और गरीबों को भोजन करावें और उनकी सेवा करें, और उनका कोई गरीब विद्यार्थी तो उसको पढ़ावें और उसके लिए वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग केसरिया, लक मीटर है 8।
हरे कृष्ण। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना का बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं और गुस्सा आता है, तो गुस्से पर नियंत्रण रखें, लेखन कार्य से धन लाभ मिलेगा। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है, परिस्थिति आपके अनुकूल है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आज आपका समय काफी अच्छा है, कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, आज आपका भाग्य साथ दे रहा है। मन तनाव में हो सकता है तो मन तनाव में ना आने दें, पूरी एनर्जी अपने प्रगति और विकास में लगाएं। स्वयं में आज आपको सेल्फ रिव्यू करना है उसको कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो अपने अच्छाइयों को बढ़ाना है, बुराइयों को डिलीट करना है और पूरी ऊर्जा अपने स्वयं के विकास में लगाना है। आध्यात्मिक विकास होगा, शिक्षा के क्षेत्र से नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। सावधानी क्या बरतनी, विवादों में पड़ने से बचें, कंट्रोवर्सी से दूर रहें। उपाय क्या करना, अगर कोई गरीब व्यक्ति है जरूरतमंद की मदद करें। एक बात का ध्यान रखें, गर्मी का मौसम आ गया जिसमें कई बार चूंकि चिड़िया है, पशु है, पक्षी है, उनका ध्यान रखें, उनको दाना पानी दें, उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दें, दाना रख दें ताकि उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है बैगनी, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे मकर राशि के। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि छोटे छोटे बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, गुस्सा बहुत आता है, एग्रेशन में रहते हैं, तो उससे बचें। कोई भी निर्णय शीघ्र न लें, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है, जिसका ध्यान रखना है। नए प्रकार के व्यापार करने के अवसर मिलेंगे, व्यापार करिए, आगे बढ़िए, इंडस्ट्री लगाइए, शुभ कार्य होने का योग बन रहा है, वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है, परिस्थिति अनुकूल है, आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे, आप इस समय चारों तरफ से प्रभावी रहेंगे, नए कार्य करने के अवसर मिलेंगे, नए कार्यों से धन लाभ होगा। सावधानी क्या बरतनी है, अत्यधिक व्यय करने से बचना है। उपाय क्या करना है, भगवान शिव की आराधना करें, सरसों के तेल का दान करें और ये ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम चल रहा है तो पशु पक्षी को पानी दें, जल दें, भोजन दें, बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि की जातक हैं, आज आपके परिवार में शुभ एवं मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। भाई बहन को रोजी रोजगार के अवसर मिलेंगे, सुख के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, व्यापार के नए अवसर मिलेंगे। खासतौर से जो विद्यार्थी हैं, चाहे टेक्निकल फील्ड के हों, चाहे मेडिकल फील्ड के हों, चाहे लॉ के फील्ड के हों, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके करियर में अचानक उछाल आने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे, प्रचुर मात्रा में धन लाभ की स्थिति अच्छी होगी, शेयर ट्रेडिंग से धन लाभ मिलेगा, नए तरह के कार्य करेंगे, परिस्थिति अनुकूल है, पत्नी को नौकरी मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, जो आपकी परेशानियां हैं दूर होंगी। सावधानी क्या बरतनी है, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। उपाय क्या करना, संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करें और गर्मी का मौसम चल रहा है, पशु पक्षी जो भी मिले उसको दाना पानी जरूर अर्पित करें, अर्जित करें, ठीक रहेगा, क्योंकि दाना पानी खिलाने से जो पशु पक्षी उनका तो कोई है नहीं, तो आप ही का आसरा होता है। तो अपने दरवाजे पर, बगीचे में जहाँ पेड़ है वहाँ पानी रख दें, दाना रख दें, जिससे चिड़िया उस दाना को चुग ले और पानी पी ले, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग हरा, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपका समय काफी अच्छा चल रहा है और काफी प्रगति करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, मानसिक रूप से संतुष्टि मिलेगी। आज आपको लिए खुशियों का समय, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, कई बार भावनाओं में बह जाते हैं, आप बहुत सेंटिमेंटल इमोशनल है, कोई भी थोड़ी सी आपकी प्रशंसा कर देता तो आप खुश हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा संतुलित रखें। धन लाभ का योग बन रहा है, समय का सदुपयोग करें, समय अनुकूल है और भाग्य आपका साथ दे रहे हैं, भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे, मेहनत करने से लाभ मिलेगा, जितना परिश्रम करेंगे उससे ज्यादा लाभ मिलेगा, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होते हुए दिख रहा है, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, जो कार्य पाइपलाइन में हो संपन्न होगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, अगर आप लेखन कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको धन लाभ मिलेगा और नए तरह के कार्यों में प्रगति होगी, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कुछ कर सकते हैं, उसके लिए आज का दिन बेहतरीन है। सावधानी क्या बरतनी है, समय का सदुपयोग करें। उपाय क्या करना, माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला, लक मीटर है 9, हरे कृष्ण। बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। आज हम आपसे बात करेंगे जो गुरु का नुस्खे में कि आज खास तौर से जो दिन होता है शुक्रवार है, तो शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन माँ को प्रसन्न रखना और उनकी कृपा पाने के लिए भक्त क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो इस दिन पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ धन की देवी हैं और जिन पर भी इनकी कृपा होती है उनकी जीवन में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह या शुक्र देव से संबंधित माना जाता है। शुक्र देव को सुख सौंदर्य रोमांस का कारक मानते हैं, लग्जरी का कारक मानते हैं। कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन पूरी श्रद्धा
और समर्पण के साथ कुछ खास उपाय करने से जीवन में हमेशा बरकत होती रहती है। शुक्रदेव की कृपा से जीवन में किसी भी तरह की कमी नहीं होती। तो आइए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में, जिनको करने से माँ लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त आप करें। तो आज के दिन क्या करें कि शुक्रवार का व्रत रहना चाहिए। शुक्र का व्रत रहना काफी बेहद अच्छा मानते हैं। इस दिन शुक्र देव का जो खास मंत्र होता है, एक मंत्र छोटा मंत्र है, ओम सुंग शुक्राय नमः, और एक और बड़ा मंत्र है जो आपको अच्छा लगे पढ़ सकते हैं, ओम हीम कुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्ताकारम भार्गवम प्रणम्याम। यह 108 बार इस मंत्र का जप करें, इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और आपके यहाँ उत्तरोत्तर विकास होता है। माता लक्ष्मी और शुक्र देव की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत जरूरी मंत्र है। कहते हैं कि शुक्र देव कभी भी गंदगी में निवास नहीं करते, इसलिए इनकी कृपा चाहते हैं तो अपना वातावरण घर शुद्ध रखें, साफ रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इससे आपके घर में लक्ष्मी माता जी का निवास होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। शुक्रवार का दिन सफेद रंग से संबंधित होता है, इसलिए इस दिन ज्यादा से ज्यादा इस रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा पाठ करना चाहिए। व्रत रखने के साथ साथ इस दिन शुक्र ग्रह से संबंधित चीजों का दान करना भी शुभ मानते हैं। शुक्रवार के दिन सफेद रंग की चीजों का दान, जैसे कि चावल, दूध, दही, आटा, मिश्री दान में दे सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार के दिन चींटी और गाय को आटा खिलाना शुक्रदेव की विशेष कृपा मिलती है। भगवान विष्णु के बिना माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ में पूजन करना चाहिए, इससे धन धान और वैभव की प्राप्ति होती है। अब बारी है दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने का। तो हमारे साथ लखनऊ से रोहित जी, जिनका जन्म तिथि है 12 अप्रैल 1994 और समय है 8:20 पर। इनका प्रश्न है कि नौकरी कब लगेगी। रोहित जी, आपका जो जन्म है वृष लग्न का, लग्न में केतु बैठा हुआ है और सातवें हाउस में राहु है, कुंभ का शनि है और आपका मीन राशि का सूर्य मंगल बुध जो बुध आदि योग बना रहा है और चंद्रमा शुक्र 12 में बैठा है, और वर्तमान समय में आपकी जो दशा चल रही है वह चंद्रमा की दशा शुरू हो गई है। तो इस समय चंद्रमा में चंद्रमा आपका समाप्त हो गया, 10-10-22 को अब शुरू हुआ है चंद्रमा में मंगल जो 10 मई 23 तक है, ये भी समाप्त हो गया, अब शुरू हो गया आपका 10 मई से लेकर के 10 नवंबर 2024 तक चंद्रमा में राहु की महादशा है। राहु नौकरी के लिए बहुत कारक मानते हैं, अच्छा मानते हैं, तो आपकी नौकरी 3 जून 2023 से लेकर के जून 24 के बीच में अच्छी नौकरी लगेगी। करियर वाइज आपका बढ़िया रहेगा और प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, तो आपके लिए कालखंड अच्छा है। आपको कोई दिक्कत ना हो इसके लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, सफेद वस्तु का दान करना चाहिए और फोकस होकर के अपने कार्यों में लग जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज है 21 अप्रैल, तो आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, आप खूब आगे बढ़े, प्रगति करें, आपका उत्तरोत्तर विकास हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ से कृपा है कि आपके घर में सुख समृद्धि यश पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, वैभव मिले और आपके परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे। हैप्पी बर्थडे। आज 21 तारीख है, तो जो खास तौर से 21 तारीख के जन्म जातक हो तो उनका मूलांक 3 होता है। तो जो 3 नंबर के जातक होते हैं गुरु की भूमिका में होते हैं, वह किसी के आगे झुकते नहीं है और ये दुख में सुख तलाश लेते हैं और किसी से कन्विंस नहीं होते। जो इनका बाह्य व्यक्तित्व होता है यांत्रिक व्यक्तित्व होता है, दिखावा इनमें नहीं होती, बड़े अच्छे व्यक्ति होते हैं, सरल व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर गुरुता होती है, किसी भी विषय को एनालिसिस करने की अद्भुत क्षमता होती है और अपने मेहनत से आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्तित्व इनका बहुत सहज होता है, दूसरा व्यक्तित्व इनका बहुत जटिल होता है, जितना उदार होते उतने कठोर भी होते हैं, निर्णय लेने में बड़े सख्त होते हैं, दूसरों के लिए बड़े लिबरल होते हैं लेकिन अपने लिए बड़े सख्त होते हैं। ऐसे लोग महान उन्नत करते हैं। वर्ष आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, माली हालत अच्छी होगी, सुख सुविधा में वृद्धि होगी और बहुत सारे कार्य एक साथ संपन्न होगा और नए तरह के कार्य कर सकते हो, उसके लिए आज का दिन आपका बेहतरीन है। और देखा जाता है वर्ष आपके लिए काफी अच्छा होगा, तो जून जनवरी से लेकर जून तक का कालखंड स्वर्णिम है, इसमें उत्तरोत्तर विकास, प्रगति, चतुर्दिक विकास और नए तरह के कार्य संपन्न होंगे।
पुनः जुलाई से लेकर दिसंबर तक का थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन सारे कार्य संपन्न होंगे और अद्भुत तरीके से आगे बढ़ेंगे और ऐसे लोग जीवन में महान उन्नति करने वाले होते हैं। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी आपको बरतनी है कि एक तो खान पान पर नियंत्रण रखना है, अपनी गोपनीयता बरतनी है, उपाय क्या करना है, भगवान विष्णु जी की आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पुनः एक बार आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। भाग्य गुरु में बस आज इतना ही, फिर हम आपसे कल इसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अलविदा नमाज को लेकर सीएम योगी